सच साहेब, जेहो बंदी छोड़ की ये एक ऑडियो, एक फ़ोन आया था किसी भगत का। तो एक भगत ने बात की है, ओम प्रकाश दास नाम है उनका। उन्होंने बात की इन भगत से और काफ़ी कॉमेडी सीन हुआ इसमें। तो कृपया आप पूरी सुने ऑडियो और आप भी इस कॉमेडी का आनंद लें। सुनिए ऑडियो आगे। साहेब बंदगी सतनाम सत्य कबीर। नहीं, हम बात करेंगे ना, होके बात करेंगे। नहीं तो पीछे से आपको बता रहा है तो उसी से खुद वो बात कर ले। ये बताइए, आप लोग भी कबीरपंथी है ना? जी हाँ है कबीर जी, जी कौन है, बताइए जरा आप। तो कबीर, आप ही बता दीजिए। हम तो शिष्य कबीर जी को क्या मानते हैं? हाँ, हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, हम तो शिष्य हैं, हम तो भक्ति में लगे हुए हैं। हाँ, तो भक्ति हमारे पास भक्ति में का एक मतलब गुरु, क्या? हमारे पास में हमारे गुरु भाई बैठे हुए हैं कबीर पंथ से, लो उनसे बात करो। हाँ, दीजिए। हाँ, हाँ हाँ साहेबंद की, साहेबंद की सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम। ये जय हो। बता कि संत रामपाल जी से पहले आप लोग कहाँ गए थे? संत जी रामपाल जी के ज्ञान में दुनिया भर का नौटंकी कर रहे हैं, तो ये, उसके पहले आप लोगों का ज्ञान कहाँ था? अच्छा ये बात हुई। हाँ, वो साहब सारी बात समय के इंतजार में होता है सारा काम। आपके गुरु को, आपके गुरु आप को, लोग एकदम काल के एजेंट ही पैदा है, मतलब दिखा रहे हैं आप लोग। अजी साहब आपके गुरु कौन है? अपने गुरु का नाम तो बताइए। मेरे गुरु कौन है? नहीं, एक मिनट, हमारे गुरु जी कौन, उसको छोड़िए। अरे तो एक बार गुरु का नाम तो बताइए आप, गुरु का नाम सारी दुनिया जानती है, मेरे गुरु का बताइए तो सही। अजी सारा पूरा विश्व जानता है। तो साहब आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, बताओ तो सही। हम तो इतने बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं, हम तो आदर से पूछ रहे हैं। प्रेम से कहने लायक आप लोग है ये नहीं है, आप लोग इंसान के कहने देखो लायक नहीं है। अपने भी नरक में जाएंगे, दुनिया को नरक में लेके जाएंगे। आप ये ठेका लेके रखे हैं, नाम कबीर जी का, गुरु जी का नाम पोस्टर पे आगे लगा दोगे, सबको भरमाते हो, यही काम करते हो तुम लोग? देखो साहब, टीवी में गुरु जी का फोटो आगे लगा दोगे, रामपाल जी का, और काम करो कबीर काल का प्रचार करते हो। अपने गुरु जी का नाम तो बताइए साहब इसका नाम बताऊं? छोड़ जाए, जी, इसका नाम पूछना चाहते हैं। अपने गुरु जी का नाम मेरे को बता तो दिए, मेरे गुरु जी को सारी दुनिया जानती है। तो हमको तो बताओ, हम भी जानते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा कृष्ण भगवान है? कृष्ण भगवान, हाँ उन्हीं को जानती है सारी दुनिया, कृष्ण भगवान को। हाँ कृष्ण भगवान को। कृष्ण जी को जानती है सब। अच्छा, कृष्ण भगवान है? कौन भगवान है? कृष्ण, कृष्ण अरे यार कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान कैसे ही बता जरा तुमको? भगवान हम तो कृष्ण जी को ही भगवान। की परिभाषा ही आप लोगों को नहीं पता है, आप भगवान को कहते चलते हो। हम तो कृष्ण जी को ही मानते हैं, आप बता दो कोई अच्छा दूसरा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, कृष्ण को मानते हो ना? बिल्कुल गीता को मानते होगे? हाँ जी बराबर मानते हैं सर, है बराबर मानते हैं। गीता जी को मानते हो? सत्य है गीता ना? हाँ बिल्कुल सत्य है। आप जो बक बक करते हैं, गीता में कहाँ लिखा गया है? क्या आप क्या जो बक बकवास बक करते हैं, गीता क्या में कहाँ पे जगह बताओ उनको ना? अभी तो क्या बक बक की बताओ। जो तुम सब लोग बक करते हो मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, क्या है सब? ना तो देखो साहब, हम भगत जी हमने ना तो कोई YouTube पे बक बक की ना कुछ किया, अब ये तो ये पता बताइए नहीं। कि संत रामपाल जी के चीजों को कि ऐसे गलत है, वो गलत है, क्या हमने तो, गलत है संत रामपाल जी का? अच्छा तो आप रामपाल जी के शिष्य हैं? हाँ, हाँ अब भाई समझ में देखो मिला। साहब सुनो आप, सुनो हाँ, समझ में आ गई, समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। साहब, सारा ज्ञान है ना हाँ साहब का, हाँ ना तो ज्ञान रामपाल साहब जी का है ना नितिन साहब, ज्ञान सारा कबीर साहब का है। हाँ तो कबीर साहब कौन है, बता जरा हमको तो। हमारे लिए तो आप ही कबीर साहब हो साहब, ऐसी बात नहीं, सब आप सब सब नहीं, अंश में बस वो साहब का ही है, ऐसी बात हमारे लिए तो आप भी साहब हो साहब, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं हैं, नहीं नहीं तुम्हारे कहने बात तुरंत हो जाएंगे। ये बताओ, लोहा को सोना कहेंगे तो सोना हो जाएगा लोहा? नहीं होएगा, तो फिर लेकिन लोहा तुम लोग साहब कहते हो आत्मा, आत्मा आपने भी वही है, परमात्मा भी वही है, सामना भी है, सपना भी वही है, सब कुछ वही है। लोहा सोना होता है, कब होता है? जब आप लोग जैसे महापुरुषों से मिलता है वो लोहा, तब सोना होता है। सोना होता है भाई लोहा, साहब बिल्कुल देखिए, होता है हम हमारे सवाल का सीधा जवाब दो। जी। ये बताओ, सारे ग्रंथ गलत हैं?
सब ग्रंथ सही है पर अपनी जगह कोई ग्रंथ गलत नहीं है। अगर सब ग्रंथ सही है तो तुम लोग गलत हो। सब ग्रंथ अपनी जगह सही है, अपनी मर्यादा ली है। साहब ने कहा साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, सब देवी की पार की सिर माथे का मोर। साहब ने सब बात निर्णय कर दिया कि कोई अध्यापक तो 5वीं तक पढ़ा था, कोई 10वीं तक पढ़ा, कोई पीएचडी करा था, ऐसी बात नहीं। सब ज्ञान अपनी जगह मर्यादा लिए हुए, साहब भूमिका लिए, ऐसी बात नहीं। कोई ज्ञान किसी गलत नहीं है। बताइए कैसे नहीं गलत है ये बताओ। कभी हमने पूछा कबीर जी कौन करे, तुम भी कबीर जी हो, हम भी कबीर जी हैं, क्या सब कबीरे हैं? हाँ जी बिल्कुल साहब, सब में उनका ही नूर समाया हुआ है, साहब का नूर। सब कोई भगवान इसका मतलब हो गया, सब में आत्म स्वरूप सब में समाया साहब, समानता सब में। आत्मा भी वही, परमात्मा भी वही, बाप भी वही, बेटा भी वही, माँ भी वही, बहन भी वही, सब वही। साहब जब भूल हुई थी ना तब बेटा था। जब साहिब से पति हो जाता है, वो पवन भगत जी भी बैठे हैं, अभी आ रहे हैं 2 मिनट में, उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ। पवन पवन जी गदार जो है पवन पवन जी, पवन जयपुर वाला। अच्छा तो आप लोग उसके चेले चपेटे हो। हाँ अभी आ रहे हैं, वो बात करवाता हूँ। हम तो साहब आपके भी चेले हैं, इसी बात सब लोग रुद्रोही के चेले चपेटे हो। और सबकी खटिया एक दिन ऐसी खड़ी होगी ना कि भागने का जगह नहीं मिलेगा। तो अभी आ रहे हैं पवन भगत जी, अभी बात करवाता हूँ आपको। छोपने की जगह नहीं मिलेगी, अभी लाइन पे रहो, अभी आ रहे हो भगत जी, बाथरूम गए, अभी बात करवाता हूँ। भगवान के ही मतलब की शत्रु बन के बैठे हो तुम लोग। ऐसी बात नहीं साहब, अभी आ रहे हैं पवन भगत जी। जवाब ज्ञान से तो अच्छी तरह से देखो ना, नाम कभी का चल रहे तो जब उसका ज्ञान का प्रचार नहीं करना, नाम से हम सब आगे नहीं बढ़ा, क्यों उनका नाम लेते हो? हम सब में पवन भगत जी ज्ञानी है, वो भी आएंगे बात करेंगे आपसे। संत रामपाल जी का पहले पोस्टर लगा दोगे और कोई चैप्टर लिख दोगे, आदमी उसको देखता है, उसको फिर अपने में ले लेते हो, खींच लेते हो, भाका के फसला के, सपना भी नहीं है, सामना भी नहीं है, तो ऐसे है वैसे है, दुनिया भर का नौटरी करते हो। अरे वो अभी पवन भगत जी आएंगे, वो बता देंगे आपको। अरे पवन का कर लेंगे, पवन को नहीं जानते क्या हम? बात ही तो करनी है भगत जी को, लट थोड़ी चलाने। नहीं जानते हैं। अजी भगत जी लट थोड़ी चलाने, बात ही तो करनी है, अभी आ रहे हो बात ही करने। पहले देखो जब आप कबीर पंथी किसको कहा जाता जरा बताओ तुमको, जो कबीर साहब के मार्ग पे चले उसको कबीर पंथी कहते हैं। तो आप लोग कबीर किसी बारे चलते हो? हाँ कबीर जी के दुश्मन हो? हमारे लिए साहब आप इनका स्वरूप हो, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। आप कबीर जी के सच्चे भक्तों के दुश्मन हो? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, जो आप सोच रहे वो बात नहीं है। आप तो आगे से हम सोच नहीं, देखो हमको हम तुम लोग बकार में नहीं आने वाले हैं। अजी साहब भगत जी आपको सारनाम मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है, सतनाम भी कोई नाम नहीं मिला है, हमको कोई नाम अभी नहीं मिला है। सतनाम भी नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला हमें। प्रथम मंत्र भी नहीं मिला? नहीं प्रथम मंत्र नहीं मिला है। फिर कहाँ के रामपाल जी के शिष्य हो आप? जबरदस्ती जबरदस्ती और क्या, नाम ही नहीं लिया अभी तक तो आपने? हाँ नाम नहीं लिया है फिर, लेकिन कैसे में अगर नाम नहीं लिया हो ठीक है, लेकिन आप लोग क्या हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भगत जी हम तो नाम ले रखे हैं उनसे। कौन? हम लोग। किससे नाम ले रखे? रामपाल जी महाराज से। अभी पवन भगत जी आ रहे हैं, अभी बात करवाते हैं आपकी। अच्छा तो रामपाल से नाम लेकर के उनके बातों को उल्टा सीधा बताते हो? अरे सपना भी नहीं है, सपना भी नहीं है। आप तो रामपाल जी को रामपाल कह रहे हो ना। अरे भगत जी आप तो रामपाल जी को रामपाल कह रहे हो। रामपाल जी तो जो है वो तुम लोग तो उनको एकदम बनाती हो। रामपाल जी क्या है तुम लोग समझे नहीं? अगर समझे तो ऐसा करते नहीं। नहीं अभी आपने रामपाल जी को रामपाल बोला। हम रामपाल जी बोलते हैं, रामपाल क्यों बोलेंगे? अभी बोला आपने। नहीं बोला रामपाल जी महाराज साहब, किसी तरह बोलो आप, हम तो उनका सिर, हमारा सिर का सिर ताज समझते हैं साहब, ऐसी बात नहीं है, सही कह रहे हैं हम। आप कैसे कहते उनके सिर से हैं? सिर से होते तो उनके भक्तों को भका करके, बाका करके उल्टा सीधा ज्ञान देते हो तुम लोग। अब रही बात साहब रामपाल जी महाराज के साहब की बात नहीं, हमको दुनिया सारे संत सब सिर के ताज है, ऐसी बात नहीं, हमको किसी से एलर्जी नहीं है, सब संत हमारे सिर के सिर ताज है, सत्य तो जी ने। ये सब यूट्यूब पे क्या चल रहा है? क्या दर्जी ने यूट्यूब पे क्या चल रहा है? क्या चला युद्ध से क्या चल रहा है सर? इशारा कभी सपना में नहीं है, सपना का से होता है। नितिन साहब कुछ नहीं होता है, सुनो आप, ज्ञान ना तो नितिन साहब का ना रामपाल साहब का, ज्ञान सारा कबीर साहब का, किसी का कुछ नहीं, सत्य तो यही है। कबीर साहब का कौन दे रहा है जरा बताओ तो? साहब जो बोलते हैं सारा विद्य के आधार जो बोलते हैं। कोई संत नहीं दुनिया में, बताओ नितिन साहब सबसे बड़े संत हो गए आज,
आज तक कहाँ थे नितिन साहब? जहाँ से आप आए हो वहाँ से ही आए हैं? कहाँ से हम आए जरा बताओ सर? जहाँ से आप आए हो, जिस स्थान से आप आए वहाँ से ही आए हैं? कौन नितिन? हाँ, जहाँ से आए हैं वहाँ से आप आए हो। अच्छा नितिन, तो आप लोग जैसे कह रहे हो नितिन जैसा कोई सदगुरु नहीं है, सारे कह रहे हो? देखो साहब, हमारे सारे गुरु दुनिया के सारे सिरताज है, ऐसी बात नहीं। वो तो आपका भाव है साहब, आप कैसे मान लो अपने भाव को? गुरु कैसे सिरताज जाएंगे यार? ये मान लो सभी गुरु सिरताज जाएंगे। जब साहब संतों से व्यवस्था रखेंगे तो बताओ हमारा जीना कैसे होगा? बताओ आप, तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप लोग जो पवन के गुरु चेले हो, पवन जी भी क्या करते हैं अच्छी तरह पता है हमको। हमको भले कोई नाम नहीं मिला है, लेकिन इसको अच्छी तरह सबको अच्छी तरह जानते हैं। आपने नाम नहीं लिया अभी तक? नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, लेना भी मत। बहुत अच्छी बात है ना, जो उसका नाम ले बहुत अच्छा चीज है, और जो नाम लेकर के उसका गुरु जो ही बन जाए वो बहुत अच्छा है। वो भी बेचारा सही कर। देखो साहब, विचार स्वतंत्र है, साहब की वाणी बोलते विचार स्वतंत्र। साहेबंदगी कौन है बताओ? साहेबंदगी करनी चाहिए। साहेबंदगी कौन साहेब? साहब ने कहा बंदगी का बंद बताओ। कौन साहब बताइए, उसका नाम तो बताइए। बंदगी कायक मानो, दूजी बंदगी वचन सुध जानो। साहब का नाम बताइए जरा हमको। साहब साहब आप में मौजूद है साहब, तो साहब साहब ही तो बोल रहा है। जवाब मत दीजिए, सीधा जवाब दीजिए हमको। जी उल्टा सीधा जवाब, सही चीज से जवाब दीजिए हमको। सही तो दे रहे हैं यार। साहब आप में बोल रहे हैं, साहब बोल रहा हूँ। मतलब कि साहेब का जाप करना चाहिए जी, बताइए। बताइए आप ही बता दो। अरे मैं कैसे बता दूं? क्यों, आप बता दो, आपको गुरु बना लेते हम तो। हमें तो परमात्मा चाहिए। हम गुरु नहीं है बाबू, हम गुरु नहीं है, हम गुरु द्रोही नहीं है कि हम गुरु बन जाएंगे। तो हम तो आपको गुरु बना लेंगे, हमें तो हमको गुरु बनाओगे? हमें तो परमात्मा गुरु बने, हम गुरु हैं नहीं तो हम गुरु क्यों बने? आप लोग गुरु बन रहे हो, गुरु से शिक्षा लेकर के दूसरे में जा करके और उल्टा सीधा सबको पढ़ा रहे हो। चलो साहब, तो आज तक आपका सतनाम कहाँ गया था? सतनाम कहाँ गया था? विश्राम से नहीं, तो संत रामपाल से नाम लेकर के उनके विचारों, उनके मंत्रों को उलट फिर कर रहे हो। ये ऐसे नहीं वैसे है, इसका मंत्र नहीं है, ये तो अविनाशी है। सतनाम का मतलब अविनाशी होता है राम, आप लोग कहते हो ना। सब मैं आपको ट्यूब पढ़ के तब बता रहा हूँ। क्या पढ़ के बता रहे हो? हाँ, कि वो मंत्र जो है कि काल का है। अच्छा। ये मंत्र जो है कि अक्षर पुरुष का है, ये दोनों अविनाशी है, तो ये सतनाम कैसे हुआ? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? अरे आप लोग बता रहे हो, मैं क्या बताऊं? हमने कहा बताया? आप लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हो। मैंने तो कोई दिखाया नहीं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे नहीं दिखाया है? नहीं है? नहीं, मैंने बोला क्या कुछ? आप लोगों के दूसरे चर्चा हो रहे थे नितिन दास के, आप ही के चेले तो बता रहे हैं। अच्छा, तो कोई उसमें कमी है तो बताओ। क्या संत रामपाल जी सपना जो दे रहे हो गलत है? हमने कब कहा गलत है? मतलब नहीं, और किसमें और कौन कह रहा है? आप चले तभी कह रहे हैं जब आप लोग बताते होंगे। नहीं तो सब दे रहे हैं जो सही दे रहे हैं, सतनाम ही दे रहे हैं, सभी सतनाम दे रहे हैं। झूठ नाम कौन दे रहा है? कौन सभी सतनाम दे रहा है? सबने कौन कौन बताया जा रहा है? नहीं तो एक बात बताइए, जो गुरु जी ने रामपाल जी महाराज ने कहा सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, ये किस ग्रंथ में लिखी हुई है? ये ग्रंथ में लिखी हुई है। पहली बात, आप लोग संत रामपाल जी के में टीका टप्पणी कर रहे हैं, सामने कोई नहीं आता है। और जो है कि दो अक्षर की बात करते हो कि क ख ग, ये अक्षर है, ये मिलता है तो शब्द बनता है और शब्द मिलकर के वाक्य बनता है। ओम को बता रहे कि तीन अक्षर से बना हुआ है। ओम कहाँ तीन अक्षर से बना हुआ है बताओ हमको? तो ओम अक्षर है, शब्द है, ओम अक्षर है, शब्द है। नहीं, गुरु का काम वो करता है। नहीं, ओम शब्द है, अक्षर है।
अब इसमें हमको मत फंसाइए, है यार बस तो फंसाने वाली नहीं। क्या बात है, जब वाणी कह रही है कि सोए गुरु पूरा, आपके आप तो मेरे को समझा इन्होंने दो ना, कहा कि ओम तीन अक्षर से बना हुआ है, तो तीन अक्षर मिला के शब्द हो गया ना, हाँ तो फिर अक्षर कहाँ रहा, वो शब्द है ओम तो। वो सब ऐसा ना, देखो हम भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं तुम लोगों की तरह। हम तो अनपढ़ है, जब तो आपको गुरु बना रहे हैं। नहीं हमको गुरु बनना है, नहीं गुरु बनाओ कैसे, हमका पागल थोड़े ना है। तो बताओ आप अक्षर। अच्छा ही बताए कि आप एक मिनट, आप कबीर पंथी हो ना? हाँ। कबीर पंथ आपका कहाँ, इसका मंजिल कहाँ, अगर बता दो हमको। हमारा मंजिल कबीर साहब है। कबीर साहब है? हाँ। अच्छा कबीर साहब क्या है? कबीर साहब हमारी मंजिल है, पूर्ण परमात्मा। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा। कबीर साहब कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में। अच्छा हृदय जी, वो तो सबके हृदय में रहते हैं। बस तो फिर जैसा ये बात तो हमने पहले ही कह दी थी कि हम तो आपको भी कबीर मानते हैं भाई, आपके नहीं, हृदय में है ये मतलब इसको मत है, वो सभी के हृदय में रहते हो, बात अलग ही चीज है। तो फिर हम तो उसी लेकिन हृदय, एक उनका मूल, हमने उनका मूल स्थान कहाँ जरा बता दो। हम हैं मूल स्थान कहाँ से है? मूल स्थान बता तो दिया, सतलोक में। सतलोक कहाँ पे है? हैं सातवें लोक में। सातवें लोक में? हाँ। अच्छा बताए, सतलोक में कबीर जी क्या है? सतलोक में आप तो एक सवाल खत्म नहीं होता, दूसरा खड़े कर देते। खड़े करेंगे अब इतना जितना ज्ञान था हमने बता दिया, अब आगे आप बता दो कबीर साहब क्या है। कबीर साहब तो ही सर्व सृष्टि के रचने वाले हैं। अच्छा हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, बता रहे लेकिन ज्ञान तो गलत दे रहे हैं। ज्ञान गलत कहाँ दे रहे हैं साहब, आप बता दो। हम तो क्या है कि मीडिएटर हैं, अब आप कह दोगे, अब ये जो आपसे बातचीत हो रही है, कल ये ऑडियो भी हम डाल देंगे यूट्यूब पे। ऑडियो का डालेंगे? हाँ आज से अभी बातचीत हो रही है, इसकी वीडियो बना के कल यूट्यूब पे डाल देंगे। हमारे यूट्यूब पे डालने क्या, हमको प्रचार थोड़ा करने के, हमको प्रचार में डालना है। नहीं अब आपसे जो बातचीत हो रही है, ये ऑडियो आपने जो ऑडियो पे बातचीत सुनी उसी उसी पे तो आप फोन कर रहे हो, अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं तो इसको कल यूट्यूब पे डाल देंगे, तो फिर और भी जो भगत सुनेंगे वो अपना विवेक लगाएंगे कि क्या सच्चाई है, क्या ज्ञान है, कहाँ वाणी है। ये बताइए कि भगवान एक ही है कि सब कोई भगवान ही, बताइए बताइए हमको। है जी भगवान तो एक ही है, तो भगवान एक सूरज, है तो यहाँ जैसे तो जैसे सारे लोग जैसे भगवान बन रहे हैं, जैसे सूरज एक है वैसे यहाँ भगवान सभी लोग भी। भगवान बना दिया जा रहा है। अजी तो सुनो भी तो सही, आप एक तो रामपाल जी महाराज के शिष्य हो यानी कि हमारे गुरु भाई हो, फिर भी आप झूठ बोलते हो, है देखिए ये कोई झूठ, अच्छा ये शोभा नहीं देता है। हाँ ये शोभा नहीं देता है, ठीक बिल्कुल, एक मिनट सत्य और सत्य नाम एक आपको, मिनट सत्य नाम रुक आपको, जाइए, मेरी बात सुनो, अरे सुनिए ना, सत्य नाम आपको मिला हुआ है और आप सत्य नहीं नहीं बोलते। हमको नहीं मिला हुआ है, हमको नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। नहीं तो रामपाल आप लोग कहते हो ये हमको शोभा नहीं देता है, आप लोग शोभा देता है कि गुरु जी से नाम लेकर के फिर अलग उनका नहीं, गुरुद्रोही बन के प्रचार करना है, शोभा देता है? अजी आपने अभी गुरु बनाए नहीं ना उनको, तो फिर अब आपके लिए तो चाहे कोई गुरुद्रोही हो या गुरु भगत हो उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों हमको फर्क पड़ता है। जब आपने अभी रामपाल जी को गुरु ही नहीं बनाया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा बताओ भाई। फर्क पड़ा आपने तभी बात, अगर फर्क नहीं पड़ता तो हम बातें नहीं करते। नहीं तो इसका मतलब आपने गुरु बनाया हुआ है, बनाया हुआ है तो फिर अब झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, आप हमारे गुरु भाई हो यार, ऐसे क्या बात करते हो आप हमसे, अगर कोई गलती नहीं, हो यार। आप तो नहीं गुरु भाई सुनो, नहीं भाई, अरे हमसे नो ऐसे नो मेरी गुरु भाई बात नहीं तो, हो रहे। मेरी बात तो सुनो, हमसे अगर कोई हाँ गलती हो जाए तो आप अपना छोटा भाई समझ के हमें डांट डपट के सही राह पे दिखाना आपका फर्ज बनता है। आप तो यहाँ पे दिखाते संत रामपाल जी आए हैं, सारी दुनिया नहीं आई है सारी दुनिया तो और नहीं आई उनको है, हम लेकिन गलत बना दे रहे हैं, तो कहाँ से सही राह को दिखाएंगे आप लोग? नहीं, तो अब जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि जैसे गुरु जी ने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बताए, तो क्या ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, दोनों लिखे हुए हैं, पहले देख के और मेरे को बताना।
कौन से पेज पे लिखी हुई है ये बताना। मतलब आप लोगों को नहीं पता कौन पेज पे लिखा हुआ है? लिखा हुआ ही नहीं है पेज पे, तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा हाँ, मतलब इतनी... जो संत रामपाल जी बता रहे हैं सारे कुछ गलत है और नितिन दास जो बता रहे हैं सब सही है। अरे यार फिर उल्टी बात ले जा रहे हो आप। हमने हमने सिर्फ एक वाणी पकड़ी है कि सोई गुरु संत रामपाल जी जो भी चीज बताई है सारे पूर्व के साथ बताया है, ऐसा तो नहीं कि वो अपने हवा में बताए हैं। अरे तो भगत जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहते हैं कि सत्यनाम के जाप से वो जड़े कोटि अपराध, तो जब अपराध बढ़ जाते हैं तो क्रोध ही नहीं आता है, लेकिन आप तो इतने क्रोधित हो रहे हो सतनाम के जाप से, आपके क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई, जबकि सतनाम के जाप से तो प्रेम उमड़ता है। कबीर साहब ने कहा कि सतनाम से जे सतनाम के जाप से प्रेम उमड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रेम कहाँ बढ़ता है भगत जी, सभी जीवों पे नहीं काम करे तो प्रेम बढ़ेगा। सुनो गुरु जी ने कहा है, सुनो तो सही, गुरु जी ने तो जो कमाल था, कमाल ने गुरुद्रोही गुरुद्रोह साक्षी भजे करे झूठे तेने जान बुझ करके आप लोग जो है कि उल्टा रास्ता चल रहे हैं। अरे तो हम उल्टा चल रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हमें सही मार्ग भी दिखाएं। आप हमारे से बड़े हो, आप हमारे बड़े भाई हो, हम छोटे हैं आपसे। बड़े कहाँ से हो गए? और क्या, आप बड़े हो हमारे से भाई, उम्र में तो हो ना हो लेकिन ज्ञान में तो बड़े हो ही ना। ज्ञान में बड़े नहीं है यार, ज्ञान में तो बड़े हो, जब ही तो आपने ज्ञान में त्रुटि कार्ड निकाली है। हम त्रुटि थोड़ी निकाल रहे हैं, त्रुटि तो है ये। संत रामपाल जी के ज्ञान में त्रुटि निकाली जा सकती है, जहाँ त्रुटि नहीं वहाँ त्रुटि निकल जा सकती है। अच्छा, और जहाँ त्रुटि वहाँ त्रुटि नहीं निकल जा सकता है। एक बात बताओ आप मुझे, रामपाल जी महाराज का कौन सा पंथ है? कबीर पंथ है। नहीं, 1, 2, 3, 4, 11, 12 कौन सा पंथ है? 12वां 13वां पंथ उनका। 12वां है या 13वां है? 13वां है, गरीब दाई का 12वां है। अच्छा, गरीबदास जी महाराज का 12वां है। हाँ। तो नाम मंत्र तो वही चल रहे हैं जो गरीबदास जी महाराज के थे 12वें पंथ के। हाँ। तो फिर 13वां कैसे हुआ भाई? अगर मेरी बात सुनो, नाम हर पंथ बदलता है क्या? है नाम हर पंथ बदलता है क्या? बिल्कुल बदलता है। नहीं बदलता है। अरे बदलता है सर, हर पंथ में अलग। आप नहीं, मेरी बात सुनो, देखो ये तो ज्ञान की बात है अपनी, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। अगर मान लो कि जैसे 12वां गरीबदास जी महाराज का 12वां पंथ है और बताइए, अगर दिल्ली हमको जाना है तो किराया यहाँ से दिल्ली तक लगता है कि सिर्फ दिल्ली का किराया लगता है? यहाँ से दिल्ली का ही लगेगा, यहाँ से दिल्ली का सिर्फ दिल्ली का लगना चाहिए ना, बीच का तो किराया लगना नहीं चाहिए आप लोगों के हिसाब से। जैसे हमको स्वर्गलोक में जाना है और उसके बीच में जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को पार करना है, उनका बिना किराया दिए हम वहाँ चले जाएंगे? जब जब दिल्ली तक का किराया दे दिया तो बीच बीच में चाहे पंजाब आए चाहे हरियाणा आए, उसका किराया टिकट अलग से थोड़ी लेना पड़ेगा? अलग से नहीं तो आखिर वहाँ तक का पूरा किराया देना पड़ता है, देना पड़ता है। नहीं नहीं, जैसे अब यहाँ से फ्लाइट में बैठ गए और अमेरिका का टिकट कटवा लिया, अब हाँ। बीच में चाहे जापान आए चाहे ऑस्ट्रेलिया आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे एक मिनट, मान लीजिए कि दिल्ली हमको जाना है और दिल्ली का टिकट आपने ले लिया है। जी टिकट लिए तो यहाँ से दिल्ली तक, मान लीजिए बनारस से दिल्ली तक का किराया लिया जाता है कि सिर्फ दिल्ली का किराया लिया जाता है? आप बनारस से दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली तक का किराया आपने दे दिया, बीच में चाहे कानपुर आ रहा है, आगरा आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपके? अरे यार, हम जो खाना चाहते हैं उसको तुम घुमा दे रहे हो, घुमाओ मत, इतना इतना घूमने वाले नहीं है। घुमाने का हम तो खुद घूमे में। आप जैसे एक मिनट, आप जहाँ भी रहते होगे कहीं भी, वहाँ से स्टेशन आपका कितना दूर है? स्टेशन का कितना दूर है? रेलवे स्टेशन है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, ये बताइए कि आप स्टेशन पे जाओगे तो बिना किराए के चले जाओगे स्टेशन या कोई साधन से जाओगे? हाँ। किराया दोगे ना वहाँ का? हाँ।
वहां का किराया दे कि नहीं किराया दे, बिना किराया दे गए नहीं, देना किराया दे, देना ही पड़ेगा। पड़ेगा ना, हाँ चाहे उस रास्ता का हमको यूज हो ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन किराया हमको देना पड़ेगा क्योंकि उस रास्ते सबको गुजरना है। यहाँ पे लोग क्या है कि जो इधर उधर पकाने वाले हैं, अरे उनसे कोई मतलब नहीं है, हम सीधे पार कर देंगे, कौन सीधे पार करने वाला है। चलो साहब कोई बात नहीं, आपने जो बताया उस पर गौर करेंगे हम, और कोई कहा सुना हो तो माफ करना, छोटे भाई हैं आपके। हम माफी नहीं, माफ तो संत रामपाल जी करेंगे, हम क्या माफी करेंगे। ठीक है, उनसे तो मांग मांग लेंगे माफी, उनसे तो दंडोत प्रणाम करते रहते हैं, ज्योति जगा देंगे। पता नहीं कैसे आप लोग जो है कि गुरु जी का नाम आगे रख दोगे, पोस्टर लगा दोगे, कोई नहीं मैंने, पैसे लिख दोगे। अरे साहब हम लोग सुनते हैं कि गुरु जी का है और खोलो तो साला गुरुद्रोहियों का निकल जाता है। नहीं, अभी वो पवन दास भगत जी आए नहीं, बाहर गए हुए कहीं, वो टहलने लग गए या वो दूसरे कमरे में जाके सो गए। गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिया है ना कि हम लोग को गुरुद्रोहियों का चैप्टर पहले समझ में आ जाता है। तो अब तो भगत जी आपने बात कर ली, नाम खंडित हो गया होगा आपका। नाम खंडित ऐसे कहते, चलो इतना ज्ञान गुरु जी ने दिया है, नाम कैसे खंडित होता है। क्यों भाई बात समझ में, गुरु जी ने तो बताया कि भाई गुरु अगर गुरुद्रोही से अच्छा। बात भी कर लोगे तो नाम खंड हो जाएगा। पवन जी जो है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, क्यों नहीं जाके संत रामपाल जी बात कर लेते हैं, अगर इतने बड़े वो उनके चेले हैं तो जाएंगे, वो बता रहे थे बात करने जाएंगे। जाएंगे क्या, कौन कौन मुंह लेके जाएंगे। नहीं गुरु जी से माफी मांग लेंगे, वो बात कर रहे थे मेरे से, बता मांग लेंगे। सबको डुबो रहे, अपने डूब रहे हैं, अब तो माफी मांगेंगे। डुबो कहाँ रहे, गुरुद्रोही घोषित कर दिया, माफी मांगने जाके भैया नहीं कहो। माफी मांग लेंगे, वो बता रहे थे मेरे को। कह रहे थे जाने, अपना जो है कि समय बर्बाद करना कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पास नंबर है पवन दास के, उनका नंबर क्या करेंगे लगे, हम बात कर लो एक बार, समझा दो उसको, अच्छा अच्छा आदमी है, समझ जाएगा। अरे वो सबको समझा रहा, हम क्या उसको समझाएंगे, ऐसे लोगों से तो बात भी नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आपने कब नाम दीक्षा ली थी आपने। हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं आप लोगों को। क्यों, मैं तो बता देता हूँ कि भाई हमने तो 14 में नाम दीक्षा ली थी रामपाल जी महाराज। ठीक है कोई बात नहीं, नाम चले, फायदा ही क्या हुआ, जब अलग पंथ में चले गए और वो अच्छा हो गया बुरे हो गए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने ज्ञान समझा है। बात है तब मैंने बोला है ना, ऐसे तो थोड़ा ना बोलते। नहीं तो हमने भाई, हमको तो बताया कि अब गुरु जी तो जेल गए, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। पवन जी अब पवन जी गुरु हो गए और संत रामपाल जी चेला हो गए। नहीं भाई बताया भाई, अब गुरु जी तो जेल गए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। गुरु जी ने सत्संग में भी तो बताया कि संत रामपाल जी के बारे में जन्म ने कि संत रामपाल जी उनका गुणगान करते हो, ऊपर से उनका नहीं सुनो तो सही, चैप्टर काफी डाल देते हैं लोग। अरे सुनो तो सही, गुरु जी ने तो कहा भी ना कि बेड़ा देखा जर्जरा। कोई चीज करना तो पूरा अलग करो ना, पूरा बाइकाट कर लो, क्यों उनको सामने रहते उसमें, फिर उन्हीं बात करके फिर अपना टॉपिक डाल देते हैं। बात एक तरफ करो ना, या तो इधर की या तो उधर की। चलो भगत जी कहा सुना माफ करना, मान लीजिए आप से हम जुड़े तो अगर आपसे कटे तो पूरा कटना चाहिए ना, ये नहीं कि आधा उनका लेके चले आधा अपना लेके चले। सही है, अब देखो जब गुरु जी, आएंगे जी रामपाल जी महाराज, तो गुरु जी गलत है तो पूरा गलत करो, यहाँ गलत है उनका नाम ही बदलो। हाँ परमात्मा 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 कहते रहो और पीछे से छुड़ा भोगते रहो, ये कौन सा टॉपिक है। नहीं नहीं गुरु जी रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत बढ़िया ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया ज्ञान अगर होता तो उनका क्यों बुराई कर रहे हैं इधर उधर। कहाँ करे बुराई, मेरे मुँह से तो आपने सुनी नहीं होगी बुराई। अभी भी आपने देख रहे हैं, बहुत ही जोर देख रहे हैं हम। अभी 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 भी आपसे मैं 1 घंटा बात हो गई, 1 घंटे में मैंने एक जगह भी आपसे ये नहीं कहा कि रामपाल जी महाराज गलत हैं। आपने कहा नहीं, जब कहा नहीं तो यूट्यूब का सपना देख के आता है क्या सारा कुछ। मेरा क्या देखा आपने यूट्यूब पे बताओ, मेरा तो कोई यूट्यूब पे भी नहीं है मेरा तो कोई। ये बताइए कि लोग संत रामपाल जी नाम लेकर के जो मंत्र दे रहे हैं उनको जो है कि उसमें टीका टिप्पणी करके शिष्यों को दूसरों को
उल्टा सीधा समझा रहे हैं, ये ऐसे नहीं वैसे है, वैसे नहीं ऐसे, ये सब क्या है? हम समझा कर रहे हैं, हम तो जैसे अभी ज्ञान चर्चा है, ज्ञान चर्चा के लिए तो रामपाल जी महाराज ने भी सबको आमंत्रित किया है कि कोई भी आओ ज्ञान चर्चा कर आमंत्रित दो। किया तो क्यों नहीं कोई आया? हम आज से नहीं, कितने देर चिल्ला रहे हैं? हाँ तो हम गुरु जी से, रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते, हम आपसे कर सकते हैं चर्चा। आप क्यों गुरु जी से क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि शिष्य शिष्य आपस में चर्चा करो, फिर जब देखा जाएगा, जब बाद और में शिष्य जो है कि गुरु बनकर के दूसरे को भड़काओ? ये लो, ये तो विवेक की बात है, कोई ऐसे थोड़ी भड़कता है। अरे विवेक क्या होता है? विवेक की अगर कबीर जी एक हैं तो सारे लोग की मत एक होना चाहिए ना, अलग में मत क्यों चलते हैं? अच्छा, कबीर साहब ने जैसे कहा कि भाई, जैसे गरीबदास जी महाराज ने कहा कि देही को सतगुरु कहे ये है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं बांको सतगुरु मान। कबीर जी एक और कबीर जी के बारे बहुत कुछ है, और ये एक ही जगह तक सीमित नहीं है। कबीर साहब ने तो कहा है कि कबीर जी के बारे में तो ये भी है कि साहब से सतगुरु भय सतगुरु रहे संत। कबीर परमात्मा ही सदगुरु का रोल करते हैं, दास का भी रोल करते हैं, सारा रोल वही करते हैं, और वो जैसा कर देगा कोई कर नहीं पाएगा। पूरी वाणी बोलो, क्या कहती है? साधु से साहेब से सदगुरु भय सदगुरु से भय संत, साहब से सदगुरु भय सदगुरु भय संत। दूसरी बाड़ी हमको एक मिनट बता रहे हैं, सदगुरु भय सदगुरु भय संत, दूसरी बाड़ी हमको मिस कर रही है, याद नहीं आ रहा हमको। अगर आपको याद हो तो बताइए। नहीं याद नहीं है ना मेरे को, जब भी तुम्हें पूछा था। आप कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? हाँ एक ना बता रहे हैं, आप सदगुरु से भय संत, धर धर भेष विशाल अंग खेले आदौरन, धर धर के घर घर। हाँ धर मतलब की अलग अलग तरीके के भेद बदल करके वो आदि हम खेलते हैं। अच्छा, जब चाहे तब कौन सा भेद क्या बना लेंगे उनकी अपनी माया है। आप कहाँ से बोल रहे भगत जी? मैं कहाँ से बोल रहे भी नहीं बताऊंगा। हम अपना पूरा भेद नहीं बता सकते हैं। मैं तो अजमेर से बोल रहा हूँ, मैं बता दिया आपको। आप कहीं से बोल रहे हो? फिर आज इधर नहीं, आज इधर आज इधर क्या है कि अजमेर में भगत भगत मिलन सम्मेलन है, भगत भगत समारोह है, सत्सेवक समारोह, सत्सेवक सब जिसको जो खेल करना खेल कर ले, ठीक ना? सत्सेवक जानते हो, जिसको जितना खेलना है वो खेल ले। अजय गुरु जी सबको परमात्मा सबको छोड़ चुके हैं कि भाई जितना जिसको खेलना है जहाँ धोखा करना है कर लो, ये कई बार सबको सीधा करेंगे गुरु जी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सबको सीधा करेंगे, नेता परेता जितने साधु संत महात्मा और जो गुरु जी से मिल करके उनको गुरुद्रोही बन गए हैं, सबको अलग थलग कर रहे हैं, सबकी एक के बात करेंगे। 11:30 बज गए, अब रखते हैं, कल बात करेंगे अपन। ठीक है, बात कर लेंगे। ठीक है सत साहिब, सबको एक ही क्षण में सबको सही कर देंगे वो। ठीक है सत साहिब।